देखते हैं आज गोल्डीज किचन में क्या बन रहा है। हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही बढ़िया सी चॉकलेट डेजर्ट की रेसिपी। जैसे कि आप जानते हैं कि गर्मियां शुरू हो गई हैं और लोगों को ठंडा खाना बहुत ज्यादा पसंद होता है, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एकदम चिल्ड चॉकलेट मूस की रेसिपी। और मैं इसे बनाने वाली हूँ हमारे ब्लू एंड बर्ड्स पैकेट के साथ। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार सा लाइक जरूर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में छोटा सा बेल आइकन होगा उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले मेरे नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो यहाँ पर हमने एक बड़ा सा बोल ले लिया है चॉकलेट मूस बनाने के लिए। और अब मैं आपको बता दूं, ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे ब्लू एंड बर्ड्स का चॉकलेट मूस लिया है। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, सिर्फ 3 मिनट में। और अगर आपको ऐसा लगे कि गर्मियाँ आ रही हैं और कुछ मीठा खाने का मन करे, तो आप इसे ज़रूर अपने घर पे रखिए, और जब भी मीठा खाने का मन करे 3 मिनट में आप इसे बना करके तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इसे ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप इन्हें परचेस कर सकते हैं। और ब्लू एंड बर्ड्स चॉकलेट मूस की खास बात यह है कि ये 100% वेजिटेरियन है, बहुत ही अच्छा थिक है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसलिए आप इसे ज़रूर परचेस करिए और ज़रूर ट्राई करिए इसे गर्मियों में। तो आइए सबसे पहले इस तैयार के पैकेट को मैं बोल में डाल देती हूँ। तो हम यहाँ पर इस पैकेट को ओपन कर रहे हैं, तो अब मैं इस पैकेट को इसमें ऐड करूँगी। इसमें हमें एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड नहीं करना होता है। तो लगभग 100 ग्राम के करीब हमने यहाँ पे चॉकलेट मूस का पाउडर लिया है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 200 ग्राम के करीब मिल्क, यानी 200 ml मिल्क ऐड करना है हमें। मैंने यहाँ पे एकदम ठंडा दूध ले लिया है, तो मैं इसे मेजरिंग कप से माप करके ही ऐड करूँगी। तो यहाँ पर हमने 200 ml का एक मेजरिंग कप लिया है, एक्चुअली ये 250 ml का है, बट मैं इसमें 50 ml के करीब मिल्क कम कर दूंगी, ऐड करती हूँ। ये देखिए, ये 200 ml के करीब है मिल्क, और 50 ml हमने इसमें ऐड नहीं किया है, तो बस इतना ही हमें इसमें मिल्क ऐड करना है। तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, यानी इस बोल में मैं डाल देती हूँ दूध को। तो हमने इस बोल में 200 ml के करीब मिल्क को ऐड कर दिया है। तो अब मैं इस तैयार के मिक्सचर को अच्छी तरीके से ब्लेंड करूंगी। तो ब्लेंड करने के लिए आप चाहें तो हैंड ब्लेंडर का यूज करिए, या हैंड बीटर का इस्तेमाल करना है हमें, क्योंकि इलेक्ट्रिक बीटर से बहुत ही जल्दी बहुत ही फटाफट ये मिक्स हो जाता है। इस तरीके से कोई बीटर होगा तो इसे मिक्स करने में ज्यादा टाइम लगता है। तो अगर आप 3 मिनट में इस मूस को तैयार करना चाहते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक बीटर का ही इस्तेमाल करना होगा। मैं इस चॉकलेट मूस को अच्छी तरीके से ब्लेंडर के थ्रू बीट कर लेती हूँ। और ये देखिए, सिर्फ 2 से 3 मिनट लगे हैं और हमने यहाँ पे चॉकलेट मूस को एकदम अच्छी तरीके से व्हिप किया था, और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर एकदम थिक हो गया है जैसा कि हमें चाहिए। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया इसका टेक्सचर हो गया है, जैसा लग रहा है व्हिपिंग क्रीम है, लेकिन ये व्हिपिंग क्रीम नहीं है, ये चॉकलेट मूस बनाने के लिए जो हमने पैकेट यूज किया था ये वही है। तो अब मैं इसे एक बर्तन में ट्रांसफर करूंगी, या फिर आप चाहें तो इस बोल को डायरेक्टली फ्रिज में रख दीजिए 15 मिनट के लिए, उसके बाद मैं आपको इसे चेक करके दिखाऊंगी। तो चलिए, मैं इसे रख देती हूँ फ्रिज में, और उसके बाद मैं आपको इसे 15 मिनट बाद चेक करके दिखाऊंगी, जब एकदम अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए। ये देखिए गाइस, चॉकलेट मूस एकदम अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है, और मैंने इसे सिर्फ 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखा था, बहुत ही अच्छे से ये सेट हो गया है। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा टिप दूंगी, चॉकलेट मूस हल्का सा कड़वा होता है, हल्का सा कड़वा नहीं कहेंगे, इसका जो टेस्ट है स्वीटनेस वो थोड़ा सा कम होता है। तो इसमें 1 से 2 चम्मच के करीब चीनी का पाउडर ऐड कर सकते हैं, ताकि इसका टेस्ट आपके अकॉर्डिंग सही हो जाए। तो मुझे तो इसका टेस्ट इसी तरीके से पसंद है, अगर आपको लगे तो आप इसके टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने चीनी को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो चलिए, मैं इसे एक बोल में ट्रांसफर करती हूँ। यहाँ पर मैंने एक ग्लास और पाइपिंग बैग लिया है, और इसमें मैं चॉकलेट मूस को फिल करूंगी, से नीचे से कट कर लूंगी, उसके बाद मैं इसे एक बर्तन में ट्रांसफर करूंगी, यानी कि जो भी मुझे बोल में ट्रांसफर करना होगा उसमें मैं ट्रांसफर करूंगी। लिया है यहाँ पर 2 छोटे छोटे से बोल्स आइसक्रीम या डेजर्ट खाने वाले, अगर आपके पास हो तो आप इसका इस्तेमाल करें, या फिर आप शॉर्ट ग्लास जो होते हैं उसका इस्तेमाल भी कर।
हमारा ये चॉकलेट मूज। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। हमेशा की तरह वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरी वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में छोटा सा बेल आइकन होगा उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूले ताकि आने वाले मेरे नए अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग गोल्डलीज किचन। बाय बाय फ्रेंड्स।